ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी, जैसे हमने पहले बताया था यहाँ पे। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमने बाय के लिए वेट किया था, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। सो आफ्टर डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। सो आज मैंने पोजिशन लिया था यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल टाइम पे 5 मिनट में फॉर इंटर डे। हाँ यहाँ पे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है एंड 60 सपोर्ट लिया है और CCI 300 स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे मैंने जैसे बाय किया तो मार्केट सडनली ऊपर चला गया, तो बाद में इसको ट्रेलिंग किया यहाँ पे। एग्जैक्टली मेरा ऐसा ही हुआ, तो नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी मिला मुझे यहाँ पे ये कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ है, जैसे मैंने बाय किया, नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ लिया, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया। तो अगर कल हम देखें तो कहाँ पे बाय करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है, लेकिन मैं बाय में ही रहेंगे। क्योंकि जब मूविंग एवरेज और CCI दोनों ने मुझे कंफर्म कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्लियर अप ट्रेंड, CCI स्टे अबव 100, सो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो यहाँ पे मुझे बाय लेना ही है। लेकिन जब मार्केट पुल बैक होगा तो वहाँ पे ही बाय लेना है, अभी लेना नहीं है। तो फिर हम देखेंगे टॉप स्टॉक आज कौन सा किया गया हुआ है। अदानी पोर्ट, चलो अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट। ओके हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट, अभी भी अदानी पोर्ट साइडवे में चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे कोई पोजीशन लेना है ही नहीं। क्योंकि मतलब 40 to 60 जोन ये एक साइडवे जोन है, तो इसको सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे 50 50, अभी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एज ए इंटरडे ट्रेडर, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंटरडे ट्रेड में हम इंटरडे में ट्रेड में हम जा सकते हैं, जैसे 15 मिनट में आप देखेंगे तो। ऑलराइट, 15 मिनट में यहाँ पे देखा आपने क्लियर बाय सिग्नल मिला, जैसे ये 100 ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, साथ में क्या हुआ CCI 60 क्रॉस हुआ, यह बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ, यहाँ थोड़ा ऊपर बाय टिगर्ड हुआ, तो मार्केट क्लियर अप ट्रेंड है ना। तो नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी हमें एक फुल बैक चाहिए, जैसे यहाँ पे CCI हो, सॉरी नॉट CCI, RSI एक फुल बैक चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया और बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ तो हम बाय में जा सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ONGC बजाज फिनेंस। और राइट, बजाज फिनेंस का ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके 15 मिनट आज आज देख सकते हैं यहाँ पे। सो पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ आप पे वन डे। ऑलराइट, तो डेली में क्लियर अप ट्रेंड, क्यों क्लियर अप ट्रेंड, यहाँ पे 200, 150, 150, 20 मूविंग एवरेज ऑल आर अरेंजिंग सिक्वेंटली है ना। तो मतलब ये क्लियर अप ट्रेंड में अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। साथ में ये जो CCI है 50 सॉरी CCI 100 का ऊपर चल रहा है, मतलब जो अप ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है अभी, तो हमें बाय ही लेना है यहाँ पे। लेट्स सी इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम 15 मिनट, तो बाय कहाँ मिला, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, तो साथ में क्या हुआ देखा, ये गैप अप ओपन हुआ एक ही साथ में, CCI 100 का ऊपर चला गया, वो पहले डेली का था, अभी 15 मिनट क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हुआ। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय, एक मिनट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लोग तो बोलेगा अभी हुआ, तो जब यहाँ पे था नेक्स्ट मार्केट जो ओपन हुआ, आप यहाँ पे ये एरिया में देख सकते हैं कैसे ऑल मूविंग एवरेज आर अरेंजिंग सिक्वेंटली राइट नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड अपसाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा की पूरा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है। तो साथ में क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं CCI क्रॉस हो गया 100 ऊपर, RSI 60 ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसका ऊपर हमने बाय ले सकता है और क्लियर अप ट्रेंड है ना ONGC। तो नेक्स्ट लेट्स सी बजाज फाइनेंस, आई थिंक बजाज फाइनेंस, हाँ बजाज फाइनेंस।
ओके क्लियर अप ट्रेंड, ऑल मूविंग एवरेज आर एनर्जिंग सिक्वेंटली एंड सीसीआई शोइंग अस क्लियर अप ट्रेंड। तो इसमें हम जाएंगे बाय में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियर अप ट्रेंड क्रॉसओवर हुआ ये सीसीआई का ऊपर, लेकिन सॉरी आरएसआई का ऊपर, लेकिन सीसीआई अभी तक क्रॉस नहीं किया 100 का ऊपर। तो बाद में ये जो कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल इसने क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका ऊपर बाय जो बाय किया हुआ है तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से, है ना। चलो नेक्स्ट 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 एसबीआई एंड बजाज ऑटो दोनों ही देखेंगे, सिर्फ एसबीआई एंड एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 मिनट देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड क्रॉस ओवर पुल बैक। तो इसका ऊपर एक में वीडियो बनाएंगे यहाँ पे कैसे बाय किया जाता है। तो लोगों को लगा हुआ है बाद में नीचे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनट ये जो कैंडल फॉर्म हुआ उस समय आप देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर हुआ है ना, पूरा के पूरा दोनों ने बाय सिग्नल दिया। तो इसका ऊपर हमने बाय लिया है ना, इसका ऊपर हमने बाय लिया और एसएल कहाँ रहेगा ये कैंडल का नीचे, तो एसएल नहीं हिट हुआ, बाद में एक साथ में उसका प्रॉफिट और लॉस एक ही साथ में हुआ है, ठीक है। तो लास्ट बजाज ऑटो आई थिंक बजाज ऑटो तो आया नहीं क्यों, तो ओके इसको चलो ये नहीं आ रहा है तो दूसरा कुछ देख लेता है। एचडीएफसी बैंक नॉट एचडीएफसी बैंक आई थिंक ओनली एचडीएफसी राइट, और एचडीएफसी ओनली एचडीएफसी ओके। तो 15 मिनट डेली टाइम पे ना इसमें कोई बाय अपॉर्चुनिटी था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये राइट थोड़ा बाय अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, लेकिन साइडवे मार्केट चल रहा है तो इसमें मैं तो बाय लेगा ही नहीं यहाँ पे। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा प्राइस ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ दोनों में बाय लिया, लेकिन ऐसे लिए यहाँ पे इसका नीचे जो कैंडल फॉर्म हुआ है उसका नीचे रहता है, तो इसमें कोई ऐसा हिट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ पे लॉस ही होगा अगर प्लेस मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं यहाँ पे। ऑलराइट सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।